नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं जितेंद्र तोमर और स्वागत है आप सभी देखने वालों का स्पीड 50 एवरीथिंग में। तो दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपको सरस्वती मोटर्स करोल बाग नाईवाला में। बहुत बढ़िया लाइनअप इस बार लगा रखा है इन्होंने। KTM बाइक आपको मिल जाएगी, R15 भी मिल जाएगी, पल्सर RS 200 भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और एक बार लाइनअप देख लो, कितनी बढ़िया बढ़िया बाइकें खड़ी हुई हैं इनके पास में। आपको KTM की 200 मिल जाएगी, 390 मिल जाएगी, ड्यूक 390 भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बाइकें इस वीडियो में आपके लिए होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजीली पहुँच सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे साथ आ चुके हैं भारत भाई, जो सभी बाइकों की डिटेल देंगे, कितना किलोमीटर चली है, क्या प्राइस रहने वाला है। तो पहले तो भैया भारत भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पीड 50 पे। एक बार लाइनअप हमने अपना पूरा दिखा दिया, बहुत बढ़िया कंडीशन में आपके इस बाइक है। पहली बाइक से शुरू कर लेते हैं, हमारे पास 390 खड़ी है ड्यूक। कौन सा मॉडल है? 2016 मॉडल है। 2016 कितना चली होगी ये बाइक, मीटर देख के बताएंगे? तो बिल्कुल आप मीटर चेक कर सकते हैं कितना किलोमीटर चली है। लाइव देखना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, एक अंदाज़ा बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार मीटर ऑन करके देख लें। 20,000 किलोमीटर ये 390 चली हुई है। मॉडल कौन सा है? 2016 फर्स्ट ओनर है। हाँ जी भैया। प्राइस क्या होगा इसका? प्राइस है 1,25,000 में आपको मिलेगी 390। प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाता है जब कस्टमर आता है। बिल्कुल, बाइक के अंदर कुछ आफ्टर मार्केट कुछ लगा हो बाइक में, कुछ क्रैश गार्ड एक्सेसरीज? कुछ नहीं है। बाइक स्टॉक है, जैसी कंपनी से थी वैसी बाइक है, इसमें कुछ लगा हुआ है नहीं। आगे चल लेते हैं, एक ब्लू कलर बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर ही से आ जाओ, हमारे पास एक R1 भी खड़ी है, R15। कौन सा वर्जन है? वर्जन थ्री। मॉडल कौन सा है? 2018 फर्स्ट ओनर है। हाँ जी भैया। ड्रेवन चली कितना होगी? चली एक ही सीधी सी बात है, मीटर में चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, मीटर में ही चेक करना पड़ेगा। ज़्यादा बाइकें होने की वजह से याद नहीं रहता भाई कितनी कौन कौन सी बाइक कितनी चली हुई है। 10,000 किलोमीटर। हाँ जी भैया। R15 2018 मॉडल। 18 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। क्या डिमांड है इसकी? 1,10,000। 1,10,000 में आपको ये मिल जाएगी। इस बाइक में कुछ लगा हो बाहर से? नहीं, स्टॉक बाइक है। इसका सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा? सब कुछ मिलेगा सर, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। ऑनर फर्स्ट है? हाँ जी फर्स्ट। तो बहुत बढ़िया कंडीशन में। इसका प्राइस क्या बताया आपने? 1,10,000। 1,10,000 में R1 भी मिल रही है हमको। 390 बाइक, 390 है। कौन सा मॉडल है ये? 2016 का मॉडल है। कितना चली होगी? मीटर ही ऑन करना पड़ेगा, मीटर ही ऑन करना पड़ेगा। मतलब ड्रेवन की बात अगर करनी है तो वही मीटर ऑन करना ही पड़ेगा। अंदाज़ा पेलने से अच्छा है वैसे ही बता दो, दिखा दो। 19,400 फर्स्ट ओनर। हाँ जी भैया, फर्स्ट ओनर। गाड़ी में कुछ सामान लगाओ? स्टॉक है, फुल स्टॉक बाइक है। हाँ जी। कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगी नहीं? डिमांड इसकी क्या रखी है? 1,25,000। बाइक का सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा? सब कुछ मिलेगा। अगर बंदा आता है कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ बाइक का हो रहा है, कोई बहम लगता है, आप कुछ मत करो, आप यहाँ से RC ले लो दुकान से जी, आप कंपनी में चेक करा सकते हो, कंपनी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। इसकी डिमांड आपने क्या रखी? 1,25,000 2016 1,25। थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएट हो जाता है जब कस्टमर आ जाता है बात करने के लिए। बाइक कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह ऐसा कुछ मुझे तो दिखाई दे रहा नहीं है। कोई विशेष ऑफर जैसे सर्विस वगैरह का आपकी तरफ से होता हो जब कस्टमर लेने आता है तो? सर, जैसे आपको सर्विस करानी है यहाँ पे भी हो जाएगी, आपको बाहर से करानी है भी हो जाएगी, जहाँ कस्टमर का दिल ठुके वहाँ से करा सकता है, करा सकता है। सही बात है। ये वाली कौन सी हमारी? RC 200। ये 200 है। कलर दोनों का सेम है, 390 का भी और 200 का भी कलर एकदम सेम है। ये वाला कौन सा मॉडल है? 2016। ये भी 2016 है। हाँ जी, ज़्यादातर 2016 के मॉडल ही आपके पास अभी मौजूद हैं। ये वाली कितना चली होगी? 22,000 किलोमीटर ये वाली चली है। 2016 का मॉडल KTM 200, 22,000 किलोमीटर मात्र चली हुई बाइक है। ओनर फर्स्ट होगी ये भी? बाकी पेपर वेपर इसके भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब रिकॉर्ड रिकॉर्ड इसका भी होगा मौजूद, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका डिमांड क्या रखा हुआ है? 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 रुपये में 2016 का मॉडल, कुछ ज़्यादा भी नहीं कह सकते प्राइस, और थोड़ा बहुत तो नेगोशिएट आप लोग करते ही हो जब कस्टमर आपसे बात करने के लिए आता है। बहुत सही बाइक है ये वाली 200 भी। इसी के आगे हमारे पास एक और 390, हाँ इधर से आ जाते हैं। ये 390
वाह, इसमें थोड़ा स्टिकर वगैरह कुछ ज़्यादा लगा रहा है। सागर भाई थोड़ा एक बार नज़दीक से आके स्टिकर वगैरह दिखा दो। टैंक पे स्टिकर वगैरह देखो, KTM के बढ़िया स्टिकर लगा रखे हैं। बाकी बाइक दिख रही होगी कहीं कोई स्क्रैच ऐसा कुछ, पूरी बाइक में देखो नज़र आने वाला है नहीं। मॉडल ये वाला कौन सा भैया? 2017 के हिसाब से कंडीशन आपने देख ली होगी कितनी बढ़िया कंडीशन में है। ये वाली कितना चली है? 16,000 किलोमीटर 2017, 16,000 किलोमीटर, 390 ऑनर फर्स्ट है। हाँ जी फर्स्ट है। डिमांड इसकी 175,000 हाँ जी भैया। इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है भाई, 390 है। इसमें कुछ लगा हुआ है सामान बाहर से कुछ? बस वो लग रहा है हैंडल गार्ड। अच्छा, सिर्फ हैंडल गार्ड लगा हुआ है, ये वाला हैंडल गार्ड लगा हुआ है और इसके सिवा बाइक में कुछ नहीं है? कुछ नहीं, पूरी स्टॉक बाइक है। बाइक के मीटर वगैरह पीछे होने का ऐसा कुछ सिलसिला तो नहीं होता? नहीं सर, हम तो एक ही बात कहेंगे, आप कुछ मत करो जी, आप सीधे शोरूम ले जाओ गाड़ी जी, बस वहाँ पे चेक करा लो, वहाँ पे चेक करा लो। मीटर बैक हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपकी दिक्कत है वो हम आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे उसके बदले में। बाकी क्या बोलते हैं उसको, आप अपना मैकेनिक भी लेकर आ सकते हैं चेक कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा कस्टमर का मैकेनिक है कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर ने बाहर चेक करानी है जी, जहाँ पे आपका कस्टमर का दिल जहाँ पे लगे वहाँ पे करा सकता है, वहाँ पे करा, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का मैकेनिक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैकेनिक आपकी मर्जी, आप अपना मैकेनिक साथ लाना चाहते हैं ले लो। ये हमारे पास RS 200 खड़ी हुई है। हाँ जी खड़ी है। RS 200 कौन सा मॉडल है भैया? 2017 मॉडल। 2017 कंडीशन तो ओके है बाइक की? कुछ अलग से कुछ नहीं सर लगा हो बाइक के अंदर? नहीं। बाइक का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रखा हो? मीटर पीछे कोई ऐसा लफड़ा, कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं? डरने वाली बात नहीं सर, कोई डरने वाली बात होगी हम बैठे। ये वाली कितना चली होगी हमारी RS 200? सभी का मीटर आपने चेक किया है? 6,200 किलोमीटर। 6,200 RS 2 कौन सा मॉडल बताया? 2017 16 और 17 के मॉडल ये। ये फर्स्ट ओनर है? हाँ जी भैया फर्स्ट ओनर। और प्राइस इसका क्या रखा है? 95,000 में RS 200। कंडीशन ओके है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, हल्के फुल्के स्क्रैच हैं टैंक पे, इतना तो चलता है कॉमन है, बाकी ओके है गाड़ी। आगे पीछे कहीं भी देखा जाए तो ओके कंडीशन में है। आगे हमारे पास version 3 खड़ी है, R15 V3 भी आ गई, R15। ये वाला मॉडल कौन सा भैया? ये 2019 मॉडल है भैया। 2019 हाँ जी 2019 चली कितना होगी? मैक्सिमम आपका है ये मीटर ऑन है, बहुत बढ़िया, 7,200 किलोमीटर चली हुई बाइक है। ऑनर फर्स्ट है? हाँ जी भैया फर्स्ट ऑनर। बहुत बढ़िया। डिमांड क्या रखी है इसकी? 1,30,000 रुपये। नेगोशिएट नेगोशिएट है, थोड़ा बहुत तो कम करोगे, जब कस्टमर आएगा बिना कम करे तो वो मानने वाला है भी नहीं, थोड़ा बहुत प्राइस तो कम किया ही जाता है हर बाइक में। भैया इन बाइकों पे फाइनेंस की सर्विस अवेलेबल है? हाँ जी भैया, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया? ऑल इंडिया फाइनेंस करते हो आप सेकेंड हैंड बाइक में? हाँ जी भैया। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली वालों को फाइनेंस मिलता है? भैया पहले दिल्ली वालों के लिए था, अब पूरे ऑल इंडिया। ऑल इंडिया फाइनेंस, तो ये मतलब एक और नई, हमारी वीडियो में अभी तक कोई ऐसा बंदा हमें मिला नहीं जो ऑल इंडिया फाइनेंस करता हो। ये यहाँ पर आपको सरस्वती मोटर्स पे ऑल इंडिया फाइनेंस की सर्विस मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, आउट ऑफ दिल्ली से हैं, तो आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा, मतलब आप यूपी हरियाणा MP कहीं से भी हैं आपको फाइनेंस की सर्विस मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस सर्विस। और डिलीवरी का क्या रहता है भैया, मतलब बाई ट्रेन भिजवा देते हैं बाइक? अगर बंदा आता है आपके पास जैसे बाहर से आता है MP वगैरह या कहीं बाहर से आता है, तो वो सर्विस कैसे, मतलब वो लेना खरीदना चाहता है, पेमेंट वगैरह हो गई, फाइनेंस की सर्विस मिली गई जी, उसके बाद में यहाँ से बाइक डिलीवरी कैसे होगी? जैसे आपको जी किसी के हाथ भेजनी है चला के, हाँ, तो वो भी वैसे भी जा सकती है जी। आपको जैसे ट्रेन से भेजनी है ट्रेन से भी जा सकती है जी, जैसा कस्टमर की इच्छा हो वैसे जा सकती है। अच्छा, बाई ट्रेन वैसे हर सुविधा अवेलेबल है, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप बाइक खरीदना चाहते हैं, इनमें से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं, तो बहुत आसान है अब आपके लिए बाइक परचेज करना सेकेंड हैंड बाइक, तो बहुत बढ़िया। आपको फाइनेंस मिल रहा है, आपको ऑल इंडिया में डिलीवरी मिल रही है, आपको ऑल इंडिया फाइनेंस मिल रहा है, और आप बोलोगे वहाँ पे आपको जी डिलीवरी मिल जाएगी गाड़ी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलो हमारे पास और भी आगे बाइकें खड़ी हैं, हम उनकी भी डिटेल ले लेते हैं। ये खड़ी 390 कौन सा मॉडल है? 2018 चली कितना होगी भैया? ये देख लेते हैं, 10,600 किलोमीटर 390 मॉडल कौन सा था? 2018 का मॉडल ऑनर फर्स्ट। हाँ जी भैया। बाइक आफ्टर मार्केट कुछ लगा हो बाइक के अंदर? कोई सामान कुछ लगा नहीं हुआ?
जैसी एज इट इज कंपनी ने बनाई है वैसी फुल्ली स्टॉक बाइक है, कुछ आफ्टर मार्केट कुछ लगानी है। 185 इसकी डिमांड है, 390 की 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर, बहुत बढ़िया। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हैं अगर आपको लेनी है तो। बहुत बढ़िया कंडीशन में इनके पास बाइकें खड़ी हुई हैं। एक बार ओवरऑल कंडीशन दिखा दो सागर भाई, बाइक की कैसी है, पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है, जैसी आप नई खरीदते हैं सेम टू सेम वैसी बाइक है ये। बस एक बात, कंडीशन के ऊपर मत जाना जी, अभी लड़के आए नहीं है शॉप पे, इसलिए कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लगा गाड़ी पर, धूल मिट्टी जम रही है आपको, आप देख लो अब इतनी शाइनिंग कर रही है बाइक जब इस पे कपड़ा नहीं मारा गया। हाँ जी। और जब ये आपको, जब आप खरीदेंगे ना, जब आपको ये ऐसी बना के देंगे कि मतलब पन्नी उन्नी चढ़ा के कि नई एकदम। हाँ जी, शोरूम से निकलवा के लाओ ऐसे मिलेगी, ऐसी मिलेगी, मतलब बस आपको सीधा मंदिर जाना है और मिठाई का डब्बा लेना और घर पूजा करा लेना और क्या, बस सीधा सेल मारो और निकल लो, ऐसी बाइक है इनके पास, मौज लो। तो आशा करता हूँ दोस्तों सरस्वती मोटर्स का जो स्टॉक दिखाया, जो बाइकें दिखाई उनकी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कुछ जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई शॉप पे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त जितेंद्र तोमर लेता हूँ आप सभी लोगों से अलविदा।